भारतीय जनता पार्टी ने आज तक मंत्री केवल उसी को बनाया है जिसने किसी भी हिंदू किसी भी मुसलमान को केवल उसी को भाव दिए राजनीति में, जिसने हिंदू की बेटियों को रखेल बनाकर रखा। इस्लाम में पत्नियां नहीं होती, उनके यहां विवाह जो है एक कॉन्ट्रैक्ट है, निकाह जो थोड़े से पैसे देकर खत्म किया जा सकता है। हिंदू को पता ही नहीं इस्लाम का, वो जानता ही नहीं है। जो मेहर हक मेहर होती है ये औरत का अधिकार होता है कि तुम इतने समय इसके साथ सोई, इसके साथ व्याभिचार करा, तो ये कीमत लो और अलग हट जाओ। तो हिंदू लालायित रहता है राजनीतिक फायदे के लिए अपनी बेटियों को मुसलमानों की रखेल बनाने को। सिकंदर भक्त जो भारतीय जनसंघ के पहले मुसलमान लीडर थे उसकी पत्नी हिंदू, आरिफ बेग दूसरा बड़ा नेता पत्नी हिंदू, मुख्तार अब्बास नकवी पत्नी हिंदू, पत्नी मान लो या रखेल मान लो, शहनवाज हुसैन पत्नी हिंदू। अभी ये जो फैज नाम का फजगुल्ला चल रहा है ना, ये इसने इंद्रेश कुमार की सपोर्ट से कितनी हिंदू लड़कियों को बर्बाद किया है जरा पता करके देखो इसका इतिहास। और जितने भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के बड़े पदाधिकारी हैं वो सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हें रक्षाबंधन के नाम पर हिंदू लड़कियों से राखी बंधवाई गई, बाद में वही हिंदू लड़की इनकी रखेल बन गई। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच इंद्रेश कुमार ने रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार का दुरुपयोग करके हिंदू बेटियों को मुसलमानों की रखेल बनवाया।